श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कि 72 वर्षों के बाद ऐसा सावन आया है जिसकी शुरुआत और अंत सावन सोमवार से हो रही है। ऐसे में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इस सावन में कुछ विशेष उपायों की जानकारी दी है। उन्हीं में से कुछ विशेष उपायों की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, जिन्हें आप 6 अगस्त मतलब सावन की तृतीया तिथि में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उपाय कैसे करना है, उसका क्या लाभ होगा, सभी जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से भी करके बताएंगे। उपाय आप वीडियो में देखकर समझ पाएंगे कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। तो सभी उपाय हम आपको वीडियो के माध्यम से करके बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। आप चाहो तो कोई एक या फिर एक से अधिक उपाय करके इस दुर्लभ सावन का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हम आपको इस वीडियो में यह जानकारी भी देंगे कि जो कि अभी हाल ही में चल रही श्रावण शिव महापुराण कथा है, जो कि ऑनलाइन चल रही है, राजनंदगांव से चल रही है, जिसे आप सिर्फ टीवी और मोबाइल पर देख पा रहे हैं, उसमें गुरुजी ने कनेर के पुष्प को अर्पित करने को कहा है। तो हम आपको वीडियो के माध्यम से भी कनेर के पुष्प को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करके बताएंगे कि आपको किस प्रकार से कनेर के पुष्प को शिवलिंग पर अर्पित करना है। बढ़ते हैं सबसे पहले इस वीडियो के पहले विशेष उपाय की ओर। इस सावन में गुरुजी ने सभी से रोग मुक्ति का एक विशेष उपाय करने को कहा है। गुरुजी ने कहा, अगर आप रोग मुक्ति का एक उपाय करना चाहते हैं तो आपको शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है वहाँ पे अपनी हथेली रखना है। आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं कि हथेली आपको कहाँ पे रखना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई एक बेलपत्र को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए प्राप्त कर लेना है। इस प्राप्त की हुई बेलपत्र को आपको शिवलिंग में जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है उस स्थान पर स्पर्श कराना है। आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं कि यह बेलपत्र को आपको किस स्थान पर और कैसे स्पर्श करानी है। इसके बाद आपको इस बेलपत्र को प्राप्त कर लेना है और उस व्यक्ति को आचमन करा देना है जो बार बार बीमार पड़ता है, रोगी व्यक्ति है। गुरुजी ने कहा, यह उपाय करने से उसकी सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आने लगेगी, दवाइयाँ कार्य करने लगेंगी और वह शीघ्र अतिशीघ्र रोग मुक्ति प्राप्त करता है। तो यह काफ़ी अच्छा रोग मुक्ति उपाय है जिसे आपको इस सावन के पावन महीने में एक बार तो अवश्य करना ही है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने सावन के महीने में सभी से एक नियम धारण करने को कहा है कि आपको पूरे सावन के महीने में 2 लोटे से जल अर्पित करना है। अगर आपके घर का कोई ऐसा सदस्य है जो भोलेनाथ के मंदिर नहीं आ पा रहा है, नौकरी में या फिर पढ़ाई करने में कहीं अन्य जगह पर वह व्यस्त है, तो गुरुजी ने यहाँ तक कहा है कि अगर आप पूरे सावन के महीने में 2 लोटे से जल शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं तो आप 1 लोटे के जल का जो पुण्य होता है, जो लाभ होता है, वह आप किसी को प्रदान कर सकते हैं। मतलब जब आप सावन में भोलेनाथ को जल अर्पित करेंगे तो पूरे सावन में जल अर्पित करने के बाद अंतिम दिन या फिर जब भी आपको लगे आप बोल सकते हैं, हे महादेव, मैं 2 लोटे जल आप पर अर्पित कर रही हूँ, मेरा बेटा या बेटी या पति मंदिर नहीं आ पा रहे हैं तो मेरे 1 लोटे का जल का जो पुण्य है वह उन्हें प्रदान कीजिएगा। इस प्रकार से आप निवेदन कर सकते हैं और उन्हें भी इस सावन का लाभ प्रदान कर सकते हैं। अभी हाल ही में चल रही श्रावण शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने इस विशेष और उपयोगी उपाय की जानकारी दी है। बढ़ते हैं सावन के अगले विशेष उपाय की ओर। अब सावन के महीने में कुछ ही दिन शेष हैं, लगभग 10 से 12 दिन शेष हैं और आपको गुरुजी का बताया एक विशेष उपाय जो अभी तक आपने नहीं किया है तो आपको यह अवश्य करना है। आपको 5 दिनों का ऐसा चयन करना है और 5 दिनों में आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण 108 बार करना है। आप एक माला कर सकते हैं या फिर 108 बार कर सकते हैं। आप लगातार भी 5 दिन ले सकते हैं या फिर कुछ दिनों के अंतराल के भी 5 दिन ले सकते हैं, पर सावन में आपको यह विशेष उपाय अवश्य करना है। गुरुजी ने कहा, जीवन में कितनी ही दुख तकलीफ कष्ट चल रहे हों, बीमारियों ने घेरा हुआ हो, आप यह विशेष प्रयोग अवश्य कीजिए, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। अगर आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे नहीं जा पाते हैं तो आप बेलपत्र को अपने मस्तक पर स्पर्श कराते हुए भी कर सकते हैं। अगर यह भी नहीं कर सकते तो आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाते हुए भी 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर सकते हैं, पर आपको ऐसा 5 दिन करना है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। सावन में प्रत्येक दिन पावन है, विशेष हैं और अगर आप सावन में बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जा रहे हैं तो आपको 1 दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। सावन के महीने में अगर आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे 1 दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं जिसमें आप लंबी बाती का उपयोग कर रहे हैं, घी या तेल का उपयोग कर रहे हैं, तो ऐसा करने वाले के घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। यह विशेष उपाय आप इस सावन में अवश्य कीजिएगा। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताया यह उपाय आप वैसे तो सावन में रोज कर सकते हैं, पर आप कुछ दिन विशेष
होते हैं, जैसे सोमवार प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, इन दिनों में आप यह विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा। बढ़ते हैं सावन के महीने के अगले विशेष उपाय की ओर। इस सावन में आपको प्रयास करना है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, पर अगर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं तो आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर उसी बेलपत्र के वृक्ष की मिट्टी का उपयोग करते हुए गोल लिंगनुमा आकृति बना देना है। गोल लिंगनुमा आकृति बनाने के बाद आपका उसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे उसमें आपको पूजन अर्चन कर देना है। आप बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं, फूल अर्पित कर सकते हैं, चंदन लगा सकते हैं, दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, अबीर अर्पित कर सकते हैं, जो जो आप सामग्री अर्पित करना चाहें अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद पूजन अर्चन करने के बाद आपको उसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पानी का उपयोग करते हुए उसका आपको वहीं पर विसर्जन कर देना है। इतना भी कर देने से आपको पार्थिव शिवलिंग निर्माण करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है और आपको इस सावन में, जो कि 72 वर्षों के बाद ऐसा सावन देखने को मिल रहा है जिसमें शुरुआत और अंत सावन सोमवार से हो रही है, तो ऐसे में आपको यह विशेष उपाय अपने घर के नज़दीक में जो भी बेलपत्र का वृक्ष है वहाँ पर जाकर अवश्य करना चाहिए। बढ़ते हैं सावन के अगले विशेष उपाय की ओर। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में चल रही ऑनलाइन शिव महापुराण कथा, जो कि पंडाल में नहीं हो रही है, उस कथा के चौथे दिन की कथा में, मतलब 5 अगस्त में, गुरुजी ने एक विशेष उपाय की जानकारी दी है जिसे गुरुजी ने सभी से प्रदोष की विशेष तिथि में करने को कहा है। गुरुजी ने कहा 17 अगस्त को सावन माह की विशेष प्रदोष है और इसमें आपको एक विशेष प्रयोग करना है। अगर आप यह उपाय अपने घर पर करना चाहते हैं तो आप घर पर भी कर सकते हैं, अगर आप भोलेनाथ के मंदिर पर पहुँच कर करना चाहें तो वहाँ पर भी कर सकते हैं, या फिर आप सीहोर कुबेश्वर धाम आ रहे हैं, कांवड़ यात्रा में शामिल हो रहे हैं तो कांवड़ यात्रा में शामिल हुएँ, उसके बाद जब आप सीहोर कुबेश्वर धाम कांवड़ यात्रा पूर्ण करें तो केदारशिला में भी आप यह विशेष उपाय कर सकते हैं। मतलब यह उपाय आप अपने घर पर भी कर सकते हैं, भोलेनाथ के मंदिर में भी कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा आपको कनेर का पुष्प लेना है। कनेर का पुष्प आप सफ़ेद भी ले सकते हैं, पीला भी ले सकते हैं। हम आपको वीडियो में पीले कनेर के पुष्प के साथ यह उपाय करके दिखा रहे हैं। आपको बस इतना करना है कि कनेर के पुष्प को शिवलिंग पे प्रदोष की विशेष तिथि में अर्पित करना है। अब गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में कनेर के पुष्प को शिवलिंग पे अर्पित करने का एक विशेष तरीका बताया है। गुरुजी ने कहा अगर आप कनेर के पुष्प को शिवलिंग पे अर्पित कर रहे हैं तो इस प्रकार से अर्पित करें कि खिला हुआ भाग आपकी ओर होना चाहिए। मतलब आप जहाँ पर बैठ के कनेर के पुष्प को शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं, खिला हुआ पुष्प का भाग आपकी ओर इस प्रकार से अर्पित करें। तो अगर आप यह प्रयोग या उपाय उत्तरमुखी होकर करेंगे तो इस प्रकार से अर्पित करें जैसा आपको वीडियो में भी है पुष्प अर्पित होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर गुरुजी ने कहा आप इस प्रकार से प्रदोष की विशेष तिथि में कनेर का पुष्प पार्थिव शिवलिंग या फिर भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग में अर्पित कर देते हैं, कहीं पर भी आप शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं, तो आपके पिछले जन्मों के जो कर्म हैं, बुरे कर्म हैं, गलत कर्म हैं, जिसके कारण आपको इस जन्म में रोग, बीमारी और कष्ट देखने को मिल रहे हैं, उनसे आपको मुक्ति मिल जाती है और आपके जीवन में सब सही होना शुरू हो जाता है। तो सावन के विशेष अवसर पर विशेष प्रदोष में आपको यह उपाय 17 अगस्त को अवश्य करना है। वीडियो में बताए गए उपाय से संबंधित प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के लिए पूछ सकते हैं। हमारे साथ व्हाट्सएप में जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में मैंशन कर दी है, हमें आप व्हाट्सएप में फॉलो कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।